मेरी मोहब्बत और मेरे इत्तेबार की धज्जियां उड़ा दी हैं उसने, लेकिन मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। मर जाऊंगी लेकिन एहसन का दामाद उसे कभी नहीं बनने दूंगी। सारा की किडनैपिंग के मामले में उन्हें तुम पर शक है। पर सारा को तो मैंने किडनैप नहीं करवाया था। अरे मैं तो खुद एहसन साहब के साथ गया था उसकी मदद करने के लिए। कहीं एहसन साहब को तो तुम पर शक नहीं? मैं अपने आप को इस घर में बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इस घर में और आपकी बेटियों की नजर में कोई अहमियत नहीं। मुझे मेरी औलाद चाहिए और मुझे मेरे इस हक से दुनिया की कोई ताकत महरूम नहीं कर सकती, और आप भी नहीं है सर। वाव चाचू, न्यू फोन। बेटा आराम से, मुझे गेम खेलना है चाचू। चंदा, गेम खेलने के लिए नहीं लिया है मैंने ये फोन। आराम से हैंडल करो इसको, खराब हो जाएगा। चाचू आप तो बहुत अमीर हो गए। मामा बता रही थी आपको बहुत सारे पैसे मिले एहसन अंकल की कंपनी से, अब तो आप ऐश करेंगे। हद हो गई, ऐसी बातें करते बच्चे। तूने ही पट्टियां पढ़ाई होंगी इन बच्चों को, अपनी तरह लालची और नदीदा बना दिया है। अम्मा कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनसे। हो सकता है कि आप लोगों की बातें सुन ली हो उन्होंने। वैसे चाचू आप ड्राइंग रूम के लिए न्यू सोफे कब ला रहे हैं? चंदा बहुत जल्द लेकर आऊंगा, और वो अच्छी वाली डॉल भी आपके लिए। वाकई में थैंक यू सो मच चाचू। मोबाइल तो बड़ा अच्छा लिया है, नया मॉडल लग रहा है मुझे। काफी महंगा भी होगा ना? जी भाभी, जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए कोई महंगी चीज खरीदी है। अल्लाह बरकत डाले तुम्हारे काम में बेटा। आज तो छुट्टी है ना, हम लोग कहीं घूमने चले? कोई जरूरत नहीं है, जब से इसकी नौकरी लगी है तुम लोगों की फरमाइशें खत्म नहीं हो रही। कोई बात नहीं अम्मी, ले जाऊंगा घुमाने, बच्चे हैं खुश हो जाएंगे। क्या इनकी खुशी की खातिर सारी रकम एक ही दिन में उड़ा दोगे? अपनी शादी के लिए कुछ बचा के नहीं रखोगे? मैं इतनी मुश्किल से घर का खर्चा चलाती हूँ और इन लोगों को अय्याशियां सूझ रही हैं। वाह भाई वाह। अल्लाह बेहतर करेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो भाई? वो बच्चों को ना समंदर की सैर पे ले चलते हैं, देखो ना मौसम कितना अच्छा है, और कितना मजा आएगा। ठीक है भाभी, ले जाऊंगा, आप 5 बजे तैयार रहिएगा, मैं अपने किसी दोस्त से गाड़ी का बंदोबस्त कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है बाहर से गाड़ी वाड़ी मांगने की, अल्लाह मेरे बेटे को इस काबिल बनाए कि खुद गाड़ी का मालिक बन जाए। भाई तुम लोग एक काम करो ना, अनवर की टैक्सी में चले जाओ। अब्बा भी कल ही तो आई है मेरी टैक्सी, उसकी मुरम्मत का कितना काम बाकी है। मैं ऐसा करता हूँ, इन लोगों को अपने किसी फ्रेंड से गाड़ी मंगा देता हूँ। भाई तुम लोग आज सारा शहर घूम लेना, खूब मौज मस्ती करना, अब खुश। हाँ, और एक काम करते, रात का खाना ना बाहर खाएंगे। अल्लाह सच में कितना मजा आएगा। और ना मैं सज्जो को फोन करके बुला लेती हूँ, उसको भी कितना शौक है समंदर की सैर करने का। अल्लाह मुझसे बार बार कह चुकी कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है वो भी खुश हो जाएगी। बच्ची है, मैं जानती हूँ कितनी बच्ची है वो। क्या कर रहे हो शैतानों, क्या कर रहे हो, मेरा फोन वापस करो। अरे चाचू 5 मिनट में वापस कर दूंगा, गेम खेलना है। पूरे 5 मिनट बाद मुझे मेरा फोन वापस चाहिए, नहीं तो आइंदा कभी भी नहीं दूंगा। ओके प्रॉमिस। पर ये खोल नहीं रहा, पासवर्ड क्या है इसका? इधर दिखा। नहीं नहीं मैं खुद खोल लूंगी, बताएं आप इसे। 2 2 3 4। ओके जल्दी से वापस करना। ओके प्रॉमिस। और खराब मत करना। ठीक है ठीक है। 2 2 3 4। Thank you.
छोटे मोटे तोहफों से अपना दिल बहलाया। असल दौलत तो मेरे हाथ आने वाली है, बस अब तो बाजी सिर्फ दो कदम के फासले पर है। अब सारा को मेरा मुझसे दिलने की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बल्कि अब तो खुद उसका बाप मेरा एहसान मंद होकर उसे मुझे सोच सारा बीबी खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, मैं बाबा का वेट कर रही हूं, उनके साथ ही खाऊंगी। आप साहब का इंतजार ना करें, वो लोग देर से आएंगे। क्यों, कहाँ गए हैं वो लोग? शाजमा मैडम की सालगिरह है, खूब तैयार श्यार होकर गई हैं। शायद सालगिरह मनाने गई होंगी। क्या आपके लिए खाना लगा दूं? बाद में खाऊंगी मैं, आप जाएं। जी बेटा। कल रात में डिनर पे आपका वेट करती रही। साबरा ने मुझे बताया कि आप शाजमा की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हूँ, आपको एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। सॉरी बेटा, मैं भूल गया। आजकल आप कुछ ज्यादा ही नहीं भूलने लगे, शाजमा के अलावा आपको याद ही क्या रहता है। शाजमा पिछले 4 माह से इस घर का हिस्सा है, मगर अफसोस के तुमने आज तक उसे इस घर के फर्क की हैसियत से कबूल ही नहीं किया। मेरी खातिर बेटा, मेरी खुशी की खातिर उसको तुम थोड़ी सी इज्जत नहीं दे सकती? आप हमेशा शाजमा को मुझ पे फौकियत देते हैं, आपको उसकी हर बात क्यों ठीक लगती है? बेटा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच जो तलखियाँ और गलतफहमियाँ वो दूर हो जाएं। मैं नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ दोस्ती कर लो या उसे सौतेली माँ के तौर पर कबूल कर लो। मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि तुम उसकी इज्जत करो, उसे नफरत मत करो। क्या तुम मेरी खातिर उसे इस घर का फर्द कबूल नहीं कर सकती? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना, तो तुम दोनों का एक घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब वो चाहती है मैं इस घर से ही चली जाऊं। अच्छा बहाना मिल गया उसको। मेरी किडनैपिंग की वजह से शहर में आपकी जो भी बदनामी हुई है, उसकी वजह से अब आप कोई भी उल्टा सीधा रिश्ता देख के मुझे रुखसत कर देंगे? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सारा, बेटी हो तुम मेरी। शाजमा से ज़ारा तुम्हारा इस घर में हक है। दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी बेटियों का हक नहीं छीन सकती। वो बेटियां जो आप पे बोझ बन गई। कैसी बातें कर रही हो? क्यों इतनी बदगुमान हो मुझसे? मुझे आपसे कोई और शिकायत नहीं, सिवाय इसके कि आपने गलत वक्त पे एक गलत औरत से शादी की। नई गाड़ी दिलवाई है अभी उसको, कल को वो प्रॉपर्टी का तकाजा करेगी तो क्या करेंगे, ये फरमाइश भी पूरी कर देंगे उसकी। शाजमा की इतनी जरूरत नहीं है मुझसे इस किस्म की फरमाइश करे।
वो अपनी हैसियत और मकाम से अच्छी तरह वाकिफ है। जो कुछ तुम्हारा और बेला का है वो तुम दोनों का ही रहेगा, मेरी जिंदगी में भी और मेरे बाद भी। मैं ना कहती थी दाल में जरूर कुछ काला है। अरे इतनी बेशर्मी और मुंह फाड़ के कोई अपनी बहन का रिश्ता देता है क्या? मैं जाती हूँ साजिदा के पास, करती हूँ बात उससे साफ साफ। अम्मा खुदा का वास्ता वहां जाकर कोई तमाशा मत कीजिएगा, खाला ने तो मुझसे जिक्र ही नहीं किया इस बात का। तो शबाना मुझसे कह रही थी कि ज़हीन और सजो एक दूसरे को पसंद करता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सजो जैसी बेबाक और चलाक लड़की ज़हीन को कभी पसंद नहीं आ सकती। ज़हीन से एक दफा बात करके तो देखो वो क्या चाहता है। अब्बा शबाना मुझसे कह रही थी कि ज़हीन सजो को पसंद करता है और दोनों की फोन पे बातचीत भी है। झूठ बोलती है वो, मेरे बेटे की पसंद इतनी खराब नहीं हो सकती। ऐसा मत कहो जुलेखा, किसी की बेटी है वो और तुम भी बेटी वाली हो। आप मेरी बेटी का मवाजना उस आवारा लड़की से कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी जद्दा में अपने मियां और बच्चों के साथ खुशोखुर्रम जिंदगी गुजार रही है। एक से एक रिश्ता आया था उसके लिए। आज भी उसके ससुराल वाले मेरी आला तरबियत की मिसालें देते हैं लोगों को। अम्मा आप प्लीज एक बार सोच ले, शबाना मुझसे कह रही थी कि सज्जो के बहुत रिश्ते आए हुए हैं मगर तेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। ज़हीन की नौकरी को लगे हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए और उसकी फरमाइशें शुरू हो गई हैं। अम्मा बात को कहां से कहां ले जाती हैं? मैं आपसे ज़हीन और सज्जो की बात कर रहा हूं और आप। अरे उस लड़की का तो नाम भी मेरे सामने मत ले, उसकी तो नस नस में अय्यारी और चलाकी भसी हुई है, पता नहीं किसने घुट्टी पिलाई है उसको। अब्बा आप ही कुछ अम्मा को समझाए ना, ये शबाना से नफरत के चक्कर में उस बेचारी सज्जो को क्यों सजा दे रही हैं? अनवर ठीक कह रहा है, तुम ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो भाई, ज़हीन की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना, तो सज्जो में क्या बुराई है? मेरा यकीन करें अम्मा, सज्जो बहुत अच्छी लड़की है, सारी जिंदगी खिदमत करेगी आपको। तू बना रहा है अपनी बीवी का तरफदार और अपनी बीवी के लिए बहस करता है माँ से? समझा देना अपनी बीवी को, आइंदा मेरे शरीफ बेटे का नाम अपनी आवारा बहन के साथ जोड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा देना अपनी बीवी को। यस, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट सर। टेंडर पड़ा पूरे 2 बिलियन का है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें और ज़हीन को इसकी जिम्मेदारी सौंपूं। मुझे हर हाल में इसका अप्रूवल चाहिए, काफी ह्यूज बजट इन्वॉल्व है इसमें, बाकी कंपनीज भी इसे हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर, आई थिंक वी विल डू इट। ओके ग्रेट, तो फिर तुम और ज़हीन मिलकर इस पे वर्किंग स्टार्ट करो। मैं कम इन सर। आओ आओ ज़हीन, हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे, बैठो। तुमने ये नया टेंडर देखा? जी सर, मैंने ही पढ़कर सुबह मंजूर साहब से डिस्कस किया था और मैंने ही आपकी टेबल पर कॉपी रखवाई थी। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दरअसल मैंने ही इससे कहा था कि ये मंजूर साहब से डिस्कस कर ले और फाइल आपकी टेबल पर रखवा दे। सर वो फाइल मैंने खुद रखवाई थी। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं और ज़हीन इस प्रोजेक्ट में पूरा जोर लगा देंगे, इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। चलो फिर ग्रेट, तुम दोनों मिलकर इस पर वर्किंग स्टार्ट करो। जी जी बिल्कुल करते हैं। अच्छा ज़हीन वो नए प्रोजेक्ट की चार्जशीट तो तैयार कर लो, 2 हफ्ते से पेंडिंग पड़ी हुई, तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है? वो तो मैंने परसों ही मंजूर साहब को ईमेल कर दी थी। उन्हें नहीं मिली यार, वो तो अब तक तुम्हारी ईमेल का वेट कर रहे हैं। मैं ईमेल कर चुका हूँ। सर आप मंजूर साहब को बुलवाएं, उनसे खुद पूछ लें। अच्छा काम डाउन बोथ ऑफ यू, इसमें बहस करने की क्या बात है, आराम से बात कर लेते हैं। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, 5 मिनट मिल सकते हैं प्लीज़? श्योर। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी जी बुखारी साहब। अरे कोई मसला ही नहीं बुखारी साहब।
बुढ़िया ने तो साफ इनकार कर दिए, अब मेरा क्या होगा आपा? तो फिक्र नहीं कर, मैं हूं ना, सोचती हूँ कुछ ना कुछ क्या करना है। आपने कुछ करना होता ना तो अब तक आप कर चुकी होती। अम्मा बता रही थी रिश्ते कराने वाली ज़किया आजकल यहाँ के बड़े चक्कर लगा रही है। सुना आपकी सास ने किसी खाते पीते अमीर लड़की का रिश्ता देखने के लिए कहा है? हाँ पता है मुझे, रोजाना यहाँ आके बैठी होती है मनहूस औरत। बड़ी आसानी से बड़ी असामी मिल जाएगी। जहीन इतना अच्छा कमाता है, अब तो लाखों में उसको कमीशन भी मिलने लगे। हाय आपा, जहीन की कहीं और शादी होगी तो मैं क्या करूंगी? इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। अरे मैंने तुझे कहा है ना, तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, करती हूँ कुछ। क्या करेंगी आप? परी खोल नहीं रहा, पास से क्या दिखा? नहीं नहीं, मैं खुद खोल लूँगी। बताना मुझे। 2 2 3 4 2 2 3 4 घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे। इस घर में अगर कोई मेरी देवरानी बनकर आएगी ना तो तू होगी तू, मेरी बहन। अपनी जान भी खेल जाऊंगी अगर जहीन को किसी और का होने नहीं दूंगी मैं। थैंक यू सो मच आपा, अब बहुत अच्छी है। हेलो, मीटिंग में जा रहे हो ना? जी। चलो मेरे साथ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ तुम उस पटीचर सी बाइक पे जाओगे, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने। और मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसे छोड़ दो, एसन साहब को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? अरे उन्होंने ही कहा है हमें साथ चलने को। तुम मुझसे इतना बदगुमान क्यों रहते हो? हालांकि मैं तुम्हारी जानत और काम से इंप्रेस ही हूं, बल्कि मैंने ही एसन साहब को मशवरा दिया था तुम्हें कमीशन दिलवाने का। भाई इतनी इतनी बड़ी डील करवाई थी तुमने, कमीशन तो बनता था ना। अब चलो चलो, देर हो जाएगी। अरे चलो ना यार, चलो आ जाओ। तुम्हें एसन साहब से कोई हमदर्दी नहीं है? तुम्हारी नजर सिर्फ उनकी बेटी और दौलत पर है। तो तुम्हारी नजर भी तो सारा पर ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दिली दिल में तुम उस पर फिदा हो। Shut up! You shut up! कृपया छोड़ो मेरा। जब से आपने उसको कमीशन दिलवाया है ना, तब से वो बहुत ओवर स्मार्ट और रूड सा हो गया। आपको पता है शाजमा के साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। अखियां तेरी दीद दी बना चाहिए। वर्किंग कर ली है ना तुमने? प्रेजेंटेशन भी देनी है। प्रेजेंटेशन देना मार्केटिंग मैनेजर का काम है, मैं सिर्फ बजट पर बात करूंगा। ज़हीन तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स मुझसे ज्यादा अच्छी है। भाई मैं ये चाहता हूँ कि तुम ऐसी प्रेजेंटेशन दो कि पूरी कंपनी तुम्हारी तारीफ करे। जानता हूँ मैं, मेरी तरह हो तुम, अपने काम के साथ लॉयल। लॉयल का मतलब जानते हो तुम? कितनी आसानी से दूसरों के काम का क्रेडिट अपने सर ले लेते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ए यार तुम ये क्या छोटी छोटी बातों को सर पर सवार कर लेते हो, तुम्हें क्या लगता है बैक कूलिंग कर रहा हूं मैं तुम्हारी? एसन साहब को बेवकूफ बना सकते हो तुम, लेकिन मुझे नहीं। बहुत अच्छी तरह से जान गया मैं तुम्हें। अच्छा क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? यही कि तुम कितने मतलबी, खुदगर्ज और खतरनाक इंसान हो जो एहसन साहब की सादगी, शराफत और अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहे हो। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी। अरे तुमने एक बार मुझे और शाजमा को एक साथ क्या देख लिया? तुम मुसलसल मुझ पर शक किए जा रहे हो? मैंने एक बार नहीं, कई बार तुम दोनों को साथ देखा है और मैं सब जानता हूं कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। बहुत घटिया बात कर रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? अरे अगर एहसन साहब को पता चल गया ना कि मेरे और उनकी बीवी के बारे में तुम इतनी गंदी बात कर रहे हो,
उसी वक्त तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे वो। मुझे जॉब का कोई डर नहीं है। सही, लिसन टू मी। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहता हूँ। इतना अरसा हो गया हम एक साथ काम करते हो, तुम अभी तक मुझे जान नहीं सके। जितना तुम दोनों को जान चुका हो ना, उससे ज्यादा जानना नहीं चाहता और मजीद इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। तुम अपने दिमाग से ये फजूल बात निकाल दो। मेरे और शाजमा के दरमियान कुछ भी नहीं है। मैं अच्छी तरह जान गया मिस्टर वहाज कि तुम्हारे क्या इरादे, और अगर तुमने सारा पर बुरी नजर रखने की कोशिश की या उसके साथ कुछ भी गलत करना चाहा, तो मैं तुम्हारे खिलाफ वहां वहां से सबूत निकालूंगा जहां पर तुम्हारी अपनी पहुंच भी नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जैसी तुम बातें कर रहे हो। वैसे तुम्हें सारा की इतनी फिक्र क्यों है? एहसन साहब ने तुम्हें उसका ड्राइवर रखा है, ड्राइवर बन के रहो। बिला वजह उसका बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें एहसन साहब से कोई हमदर्दी नहीं है? तुम्हारी नजर सिर्फ उनकी बेटी और दौलत पर है। तो तुम्हारी नजर भी तो सारा पर ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दिली दिल में तुम उस पर फिदा हो, तभी तो तुम्हें फिक्र है उसकी इतनी। कृपा छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है। अगर तुमने उनके और मेरे मुतालिक कोई भी गलत बात की ना, तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ऐसी धमकी दी है कि सारी जिंदगी अपना मुंह नहीं खोलेगा वो। उसकी दुखती रख पकड़ी है मैंने। मुझे लगता है कि सारा के लिए पसंदीदगी रखता है। बेवकूफ आशिक, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हर वक्त दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, और वैसे भी सारा इतनी मासूम और अच्छी लड़की है, कोई भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो सकता है। बेवकूफ नहीं है वो, अपनी औकात अच्छी तरह जानता है। और उसकी कैसे जरूरत हो सकती है सारा के बारे में सोचने की भी? सोचने पर कोई पाबंदी थोड़ी है। और ये जो एहसन साहब की चापलूसी करता रहता है ना, और अपने नंबर बढ़वाता रहता है, ये सब ऐसे ही थोड़ी करता है। तुम खुद सोचो शाजमा, इतनी अच्छी जॉब मिलने के बाद भी उसे ड्राइवर की जॉब नहीं छोड़ी। हर जगह पर साए की तरह होता है सारा के साथ, इसकी और क्या वजह हो सकती है? अपनी इज्जत सबको अजीज होती है। 100 बार सोचेगा हमारे खिलाफ मुंह खोलने से पहले। डोंट वरी। तुम्हें सारा कितनी फिक्र क्यों है? एहसन साहब ने तुम्हें उसका ड्राइवर रखा है, ड्राइवर बन के रहो। बिला वजह उसका बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो तुम्हारी नजर भी तो सारा पर ही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दिली दिल में तुम उस पर फिदा हो, तभी तो तुम्हें फिक्र है उसकी इतनी। तीन लाख 55,000 ऑफिस का किराया जमा, 25,000 ये लीजिए गर्म गर्म चाय। शुक्रिया। टू ओके। ये ज़हीन नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अपने कमरे में होगा, जाकर दे आओ उसे चाय का कप। नहीं चाचू तो बाहर वॉक कर रहे हैं ना। चाचू बाहर वॉक कर रहे हैं इस वक्त? तुम ऐसा करो उसके कमरे में कप रखा, वो बाद में चाय खुद ही पी लेगा। अच्छा भाई।
पासवर्ड क्या है इसका? इधर दिखा दिखा। नहीं नहीं मैं खुद खोल लूंगी। बताएं आप इसे। 2234 कैसी हो मेरी जान, कब आओगी यहाँ? तुम्हारी सूरत देखने को आंखें तरस गई हैं। कल आना पापा से मिलने के बहाने, कसम से बहुत याद आ रही हो। नया जोड़ा पहन कर आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। ये मैसेज सही नहीं किया मुझे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये मैसेजेस तुमने भेजे मुझे? ज़रा सवाल मत करो, आम खाने से मतलब रखो। गुटलियां क्यों गिन रही हो? उससे अगर जरा भी शक हो गया तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तुम। अरे शक की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैंने उसके मोबाइल से मैसेज भेजते ही डिलीट कर दिए थे। मगर तुमने वो सारे मैसेजेस सेव रखने अपने पास ताकि हमारे पास सबूत हो। गलती से भी डिलीट मत करना, समझी? पापा बड़ा ही खतरनाक खेल है ये। अगर हम पकड़े गए ना तो पूरा खानदान हम पर थू थू करेगा। पापा तो मुझे जमीन में ही गाड़ देंगे जिंदा, और वो जमीन हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से आउट, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं करनी? करनी है ना। तो फिर जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसे ही कर। बस एक बात का ध्यान रखना, मैसेजेस डिलीट मत करना। जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसके मोबाइल से तुम्हें मैसेजेस भेजती रहूंगी। बस तुमने अपने पास वो मैसेजेस रखने हैं सबूत के तौर पर। और अगले हफ्ते तुम यहाँ रहने आ जाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे करना क्या है। फिर बहुत जल्द हम उन मैसेजेस के जरिए उसे ब्लैकमेल करेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे वो राजी नहीं होता तुमसे शादी करने के लिए। पापा नहीं, ये गलत है, इसमें बहुत रिस्क है यार। जब तकदीर अच्छी ना हो ना तो तदबीर से काम लेना चाहिए। तुम्हें इस घर में लाने के लिए ना मैं अपनी शादी भी खतरे में डाल रही हूँ। इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। सच पूछो तो सच। मैं खुद नहीं चाहती कि मुझसे ऊंचे घराने की लड़की इस घर में मेरी देवरानी बनकर आए। तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की सच, लेकिन वो बुढ़िया किसी सूरत भी राजी होकर नहीं दे रही थी। इसलिए मजबूरी में आके मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। और वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है ना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। शादी तो हो जाएगी मगर मोहब्बत वो तो शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। रहीम मुझसे नफरत करने लगेगा और शादी के बाद मुझे वो मकाम नहीं देगा जो मैं डिजर्व करती हूँ। अरे एक बार शादी हो जाने दो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों बहनें मिलकर उस सुलेखा बीबी के झंडे उतार देंगे। और भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे जो मैं अकेले तो नहीं कर सकती ना। मुझे तो कदम कदम में तुम्हारा साथ चाहिए। हुँ? अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, कहीं अनवरी ना आ जाए। बाद में बात करते, खुदा हाफिज़। जब से आपने मुझे नई गाड़ी लेकर दी है सारा का मूड बहुत खराब रहने लगा है। देखो उसे तुम्हारी गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस हादसे की वजह से बहुत अपसेट है। न खाती है न पीती है न किसी से बात करती है, टूट के रह गई है, पहले जैसे हंसती भी नहीं है। मुझे तो ये लगता था कि
इस हादसे के बाद सारा को थोड़ी सी अक्ल आ जाएगी, लेकिन मैं अभी भी उसके लहजे में उतनी ही अक्ल है। आपको पता है मैं कल गई थी उसके कमरे में उसे समझाने के लिए कि आइंदा के बाद मुहतात रहे, लेकिन उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की और गुस्से में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम्हें उसके कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? अच्छी तरह जानती हो कि वो बहुत अपसेट है। कुछ दिनों के लिए उसे हमें उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बार बार उस हादसे का जिक्र उसके सामने नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो पहले जैसे अपनी जिंदगी जिए। तो ऐसे मैं भी यही चाहती हूँ। आपको क्या लगता है मैं उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए गई थी? वैसे हद है आपकी सोच की भी। हर बात का इशू मत बनाया करो। ऐसे मैं उसे दिलासा देने के लिए गई थी। अब ये भी ना करूं मैं क्या? मेरा क्या फायदा इस घर में रहने का? हर बात का इल्जाम आप लोग मुझे देते हैं बस। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा शासमा, बस ये कहा है कि उसके सामने जरा मुहतात रहा कर। वो टूट के रह गई है। अगर वो तुम्हें कुछ कह भी देती है तो मेरी खातिर बर्दाश्त कर लिया करो प्लीज। अच्छा तुम छोड़ ये बात, मैं कल हैदराबाद वाली फैक्ट्री पर विजिट के लिए जा रहा हूँ। तुम अपनी टेंडर वाली टीम लेकर वहां पहुंच जाना, और हाँ वहां से कहना कि अच्छी तरह प्रेजेंटेशन की तैयारी कर ले। जाफरी साहब तुम लोग को गाइड कर देंगे और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो टेंडर अप्रूव कराने में हमारी मदद करेंगे। आपकी तरफ से कौन विजिटेशन दे रहा है? हमारी मार्केटिंग हेड मिस्टर बहाज। ओके, आप लोग कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं। थैंक यू। सर इस प्रेजेंटेशन का क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं शाजमा और जहीन को भी जाता है। जिस तरह उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे सही तरीके से गाइड किया, सर आपकी तो क्या ही बात है। आपने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया उसकी तो मिसाल ही नहीं मिली। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। I'm proud of you, Raj. Thank you so much, sir. सर वो अगर इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ मेरे गरीब खाने में तशरीफ लेकर आएंगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। अब दरअसल मेरे ताया ताई वापस जा रहे हैं तो मैं चाह रहा था कि जाने से पहले आपकी और आपकी फैमिली से उनकी मुलाकात हो जाए।
सर वो एक्चुअली किसी खास मकसद से आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा तो ठीक है ना, इस वीकेंड पे उन्हें हमारे घर बुला लो, इसी बहाने डिनर भी साथ हो जाएगा और जरूरी बातें भी। श्योर सर। अच्छा वो मुझे आपसे जहीन के सिलसिले में भी कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। सर देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जहीन एक काबिल और मेहनती लड़का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके रवैये में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस कर रहा हूँ मैं। शायद वो मेरी कामयाबी मेरी जहानत से खौफजदा है, मुझसे इनसिक्योर हो रहा है वो। सर मुझे आगे बढ़ता देखकर बस वो ये चाहता है कि उसके काम की तारीफ हो और उसके काम को सराहा जाए। एंड आई एम सॉरी सर, कल प्रेजेंटेशन से पहले हम लोगों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई थी। तल्ख कलामी? वो क्यों? सर वही प्रोफेशनल जेलेसी। जब से आपने उसको कमीशन दिलवाया है ना, तब से वो बहुत ओवर स्मार्ट और रूड सा हो गया। आपको पता है शाजमा के साथ भी बदतमीजी से बात कर रहा था वो। सर वो तो बस ये चाहता था कि इस प्रेजेंटेशन की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी जाए, शायद इसीलिए वो मुझसे रूड हो रहा था। कहाँ थे? आज ऑफिस भी नहीं आए। सर वो एक्चुअली मीटिंग से वापसी पर देर हो गई थी, इसलिए मैम ने मुझसे खुद कहा था कि मैं घर वापस आऊं। सर मैंने ईमेल देखी थी आपकी। हाँ सुना है कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई है और वहाँ के काम की बहुत तारीफें हुई, पूरा टीम वर्क है, तुमने भी बहुत मेहनत की है। मगर सर प्रेजेंटेशन मैंने ही दी थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जगह वहाज का नाम क्यों लिया जा रहा है। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन बनाई भी मैंने दी और प्रेजेंट भी मैंने खुद ही की थी उन लोगों के सामने, आप किसी से भी कंफर्म करा सकते हैं। अच्छा जहीन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा है कि ये पूरी टीम की एफर्ट है, तुम्हारी बारी भी आगे चल कर आएगी। मैं जानता हूँ कि तुम काम के मामले में बहुत पैशनेट हो और मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, तुम एक हार्ड वर्किंग लड़के हो, लेकिन मैं इस बात का कायल हूँ कि हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए काम के दौरान, लेकिन प्रोफेशनल जेलिसी के खिलाफ हूँ। ख्याल रख। आप गलत समझ रहे हैं सर, मुझे जेलिसी नहीं है किसी के साथ, मुझे खुद पर एतमाद है।